नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर के तमाम सरकारी व निजी स्कूलों को हर हाल में 16 दिसंबर तक करना होगा समय में परिवर्तन। जिला शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में जिला आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए जब्त की नकली विदेशी शराब, नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांगों से संबंधित पत्र जिले के उपायुक्त के माध्यम भेजा श्रम मंत्रालय को। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के तमाम सरकारी व निजी विद्यालयों को हर हाल में आगामी 16 दिसंबर तक बढ़ते ठंड के मद्देनजर समय में परिवर्तन के निर्देश जिला शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं। वैसे 12 दिसंबर से ही सभी सरकारी विद्यालयों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। गौरतलब हो कि जिले के उपायुक्त के निर्देश के तहत जिला शिक्षा विभाग ने तमाम सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों को नोटिस जारी कर 12 दिसंबर से स्कूलों के समय में परिवर्तन कर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कक्षाओं को संचालित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और सरकारी विद्यालयों में इसका पालन 12 तारीख से ही होने लगेगा। वहीं कुछ निजी विद्यालयों के द्वारा समय अवधि को बढ़ाने की बात रखी गई थी, जिस कारण शिक्षा विभाग ने तिथि को आगे बढ़ाते हुए 12 के बजाय 16 दिसंबर की तिथि तय की है। इसके अंदर सभी विद्यालयों को समय में हर हाल में परिवर्तन करना होगा। वैसे ये निर्देश केवल कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए लागू है। उच्च कक्षाओं को स्कूल प्रबंधन अपने अनुसार संचालित कर सकती है। एक तो पहली चीज ये है कि राज्य सरकार का ही निर्णय है कि सभी सरकारी स्कूल 9 बजे से संचालित किए जाएंगे, तो सभी सरकारी स्कूल 9 बजे से 2 बजे तक संचालित हो रहे हैं। शनिवार को भी हम लोग उनका टाइम 9 से 12:30 संचालित हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के बारे में था कि वो अभी भी प्रातःकालीन संचालित हो रहे हैं, अर्थात 7 बजे या 8 बजे से, तो उनकी टाइमिंग एक करने का ये था। तो पहले जिला शिक्षा अधीक्षक जी द्वारा निकाला गया था कि 12 तारीख से ये सभी जो निजी विद्यालय भी हैं उनकी कक्षा 8 तक जो वर्ग हैं वो 9 बजे पूर्वाहन से 3 बजे अपराहन या उसके बीच में संचालित होंगे। परंतु कुछ निजी विद्यालयों द्वारा ये किया गया था कि इसे थोड़ा टाइम और दिया जाए, तो यद्यपि एक संशोधित पत्र उनके द्वारा ये निर्गत भी कर दिया गया है जिसमें ये किया गया है कि 12 दिसंबर के स्थान पर 16 दिसंबर से वो ऐसा करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में जिला आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध नकली विदेशी शराब को जब्त कर लिया है। इस अवैध शराब को क्षेत्र में बेचा जाता था। गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी विभाग के द्वारा की गई। चाकुलिया प्रखंड के एक घर में इन शराबों को तैयार किया जाता था, जिसे विभाग ने छापेमारी कर पकड़ लिया। लगभग 1 लाख की कीमत के सामानों को विभाग ने बरामद किया है। वैसे विभाग को यहां किसी की गिरफ्तारी में सफलता हासिल नहीं हुई है। विभाग के द्वारा आगे की न्यायिक कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त हुई थी कि नया बाजार चकलिया में एक घर में कुछ अवैध शराब बनाने का काम हो रहा है, और तो उसी सूचना के आधार पर हमने आज छापेमारी की सुबह, तो हमने वहां पाया कि यहां से ये सारा माल रिकवरी हुआ है और वहां से ये यूनिट देख लग रहा है कि ये नकली शराब को वो जो महंगे ब्रांड से उसमें वो डाल करके वो अपना बोतल बना रहा था। ये किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस पर हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं कि इसमें कौन संलिप्त है। नए घर में कोई नहीं रहता था, उसके बाद हम छानबीन करेंगे तो पता चलेगा किस ये मशीन वगैरह नहीं है। देखने से सम्मत यही लग रहा है कि ये हाथ से सारा पैकिंग करता था। ये बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर जिले के उपायुक्त के माध्यम से श्रम मंत्रालय केंद्र सरकार को एक मांग पत्र सौंपा है और मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी 8 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी भी दे दी है।
इनके अनुसार दवा पर शून्य जीएसटी का प्रावधान लागू किया जाए, यूनिफॉर्म कोड को लागू करना, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज कानून को लागू करना, सेल्स के आधार पर होने वाले छटनी को बंद करना जैसी मांगे शामिल है। इस संबंध में इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को मांग पत्र भेजा है। इन्होंने कहा कि मजदूरों के खिलाफ जो कानून का संशोधन किया गया है वो गलत है और ऐसे तमाम कानूनों को खारिज किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी 8 जनवरी को इनके द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया जाएगा। इसमें कई मजदूर संगठन भी इनका सहयोग करेंगे। ये मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के राज्य स्तर संगठन बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन और अखिल भारतीय संघ महासंघ FMRAI के आह्वान पर आगामी 8 जनवरी को देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और 45 सेंट्रल फेडरेशन जो है उनके साथ हम भी स्ट्राइक में जा रहे हैं। इस स्ट्राइक का मुख्य कारण है 12 सूत्री मांग आम मजदूरों का और हमारे 6 सूत्री मांग को लेकर के हम जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः आम जनता के लिए हम मांग कर रहे हैं 0% GST लागू किया जाए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो करप्शन व्याप्त है उसको रोक के लिए यूनिफॉर्म कोड ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को लागू किया जाए, और आम मजदूरों के लिए हमारा मांग है जो मिनिमम मजदूरी हमारा 21,000 रुपया होना चाहिए, 6,000 रुपया हमारा पेंशन होना चाहिए, हमारे सामाजिक न्याय और तमाम लेबर कानून जो खत्म करने का साजिश चल रहा है उस पर रोक लगाना चाहिए। दूसरे चरण के चुनाव की समाप्ति के बाद प्रत्येक बार के चुनाव की तरह स्ट्रांग रूम के बाहर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कैंप लगाकर ईवीएम पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लगातार अलग अलग मंडलों के द्वारा यहां कैंपिंग की जा रही है। वैसे पूर्व से ही लगातार प्रत्येक चुनाव में ये परंपरा चलते आ रही है। सभी मशीनों को स्ट्रांग रूम में सील किए जाने के बाद सभी राजनीतिक दलों के टेंट यहां पर लगाए जाते हैं और पाली बदलकर लगातार कार्यकर्ता यहां कैंपिंग कर हर आने जाने वालों पर नजर रखते हैं। भाजपा, आजसू, कांग्रेस, झामुमो समेत तमाम राजनीतिक दलों के टेंट यहाँ लग चुके हैं। मतगणना के दिन तक इनके द्वारा यहाँ ये कैंपिंग की जाएगी। अजेंदर भी नेता के रूप क्या देखो भाई, ए ए भाई हमने जीते बोला माफी मांग लिया, बोला आप छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। 17,000-18,000 बाइक चल रहा था, बाइक। जमशेदपुर के साक्ची स्थित महिला थाने में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला अपने पति को पीटते हुए थाने लेकर पहुंची। महिला ने बताया कि युवक का नाम अमित सिंह है और उसके साथ इसी साल 10 जून को इसकी शादी हुई थी, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना का शिकार होने के बाद वो अपने ससुराल वालों और अपने पति से अलग रह रही थी। युवक यानी उसका पति आए दिन उसका पीछा किया करता था और उसका वीडियो बनाकर उसे टॉर्चर कर रहा था। आज भी वो करीम सिटी कॉलेज परीक्षा देने पहुंची थी, इस दौरान उसका पति उसके साथ बदसलूकी करने लगा, जिसकी शिकायत उसने कॉलेज के शिक्षकों से की। उधर कॉलेज के शिक्षकों ने महिला के पति को पकड़ लिया। इसी बीच महिला ने अपने परिजनों को भी बुला लिया और कॉलेज से लेकर थाने तक अपने पति को पीटते हुए पहुंची। महिला ने बताया कि उसके पति के खिलाफ कदमा थाने में शिकायत भी दर्ज करा चुकी है और शादी के बाद से ही पति और ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर वो अपने मायके वालों के साथ ही रह रही थी, लेकिन उसका पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। फिलहाल महिला थाने ने आरोपी युवक को कदमा थाने के हवाले कर दिया है। वैसे काफी देर तक महिला थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा चलते रहा और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। फॉलो कर रहा था, वीडियो बना रहा था, फिर हम सर लोगों को कंप्लेन किए तो नीचे भाग गया, फिर वीडियो डिलीट करके दिखा रहा है, नहीं सर हम कोई वीडियो नहीं लिए हैं, हम इसकी वाइफ, ये मेरी वाइफ है, हम इसके हस्बैंड हैं, हमको बस बात करना। तो सर बोले वो सब आप लोगों का फैमिली मैटर, आप लोग बाहर जाके ये कीजिएगा। उनको ये और इसकी माँ मेरे को जहर पिलाई थी, इसका बाप भी मिला हुआ है इन लोगों के साथ। ये लोग मेरे को 15 अगस्त से मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करके 26 सितंबर को जहर पिलाया, जान से मारेंगे, दूसरा शादी करेंगे, नहीं तो तेरा बाप से हम लोग पैसा मांगने बोल रहे, नहीं तो एक तो प्रॉपर्टी हम लोग के नाम कर रहे, यही सब है। छरीम सिटी कॉलेज से पकड़े हैं। मैम कदमा थाना में केस की हुई है कंप्लेनेंट पूजा कुमारी, ये 498 का केस है।
इसी दौरान ये कॉलेज आई थी करीम सिटी कॉलेज, और वहाँ कहीं लड़का को पता चला कि करीम सिटी कॉलेज में लड़की एग्ज़ाम देने आई है, और वो आया उसके बाद उसके साथ गलत हरकत करने लगा। तो वो अपने टीचर को बताई ये कॉलेज में, उसके बाद में सब स्टाफ मिल के वहाँ को पब्लिक मिल के पकड़ा, उसके बाद में अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया, मैसेज दी, सब पकड़ के यहाँ महिला थाना आया लाया गया। इस मैटर में कदमा थाना प्रभारी से मैं बात की, उन्होंने बताया कि केस नंबर 189/19 में ये केस हुआ है, वांटेड है, इसीलिए हम लोग पकड़ के रहे। हाँ, अभी वो कदमा थाना प्रभारी द्वारा बोला गया है कि किसी आईओ को भेज के, इसके आईओ को भेज रही हूँ, वो आने से हम लोग। झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी रोमला पूर्ति ने अपने पड़ोसियों पर जबरन घर और जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए जिले के एसपी और एसएसपी से शिकायत दर्ज कराई है। मामला गोलमोरी थाना अंतर्गत टोला डुमरी का है। रिटायर महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि इसके पीछे गोलमोरी थाना पुलिस का भी हाथ है। जिला पुलिस मुख्यालय पहुंची महिला ने बताया कि पिछले 70 सालों से भी जिस मकान में वो रह रही थी उस पर जबरन भू माफिया और दबंगों ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, जिस पुलिस विभाग में वर्षों से वो योगदान दे रही थी उसी विभाग के अधिकारी भू माफियाओं और दबंगों के साथ आज खड़े हैं। महिला ने बताया कि पिछले कई महीनों से उनका पूरा परिवार भय के साए में जी रहा है, और वे सभी अपने घर में नहीं बल्कि एक गाड़ी में ही अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं, और पूरा परिवार उसी गाड़ी में सोते हैं। महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि उस गाड़ी में भी रात के वक्त असामाजिक तत्व द्वारा तोड़फोड़ की जाती है, उन्हें डराने का प्रयास किया जाता है। सेवानिवृत्त महिला पुलिसकर्मी पैरों से लाचार है, आज व्हीलचेयर पर ही वो पुलिस मुख्यालय पहुंची। उन्होंने बताया कि गोलमोरी थाना पुलिस द्वारा उन्हें धमकाया जाता है, ऐसे में वो वाखेर जाए तो कहां जाए। फिलहाल जमशेदपुर एसएसपी ने शिकायत दर्ज कर लिया है। महिला ने बताया कि एसएसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है, बावजूद इसके महिला की आंखों में खौफ साफ देखा गया। मेरा 60 नंबर क्वार्ट घर हम लोग का है कोलनगिरी में, 61 नंबर वाला जमीन को बेच दिया गया है गोपाल और पूनम देवी के पास में, जिसमें दलाली करता है राम सकल यादव और संजीव कुमार पूर्ति। पैसा खाओ के लोग तो हाफ प्लॉट को एक प्लॉट बना दिया। अब हम अपना घर जब रिटायर होकर लौटे तो क्या किया ना, गली में मेरा पूरा रास्ता जो है उसमें रास्ता में गोपाल राम सकल ये लोग मिल के पूरा रास्ता मेरा बंद कर दिया। 70 साल का जमीन को बोलता है बाउंड्री किया हुआ जमीन जो 70 साल का बुनियाद घर, तो उसको बोलता है टेलको बड़ा बाबू कि सिपाही को भेजता है, अपने नहीं आता। सिपाही बोलता है संतोष सिंह कि ये दीवार तोड़ के अंदर में 7 फुट तोड़ के अंदर से लोग घर बनाएगा। हम बोले क्यों बनाने देंगे, ये मेरे दादी का है, हम लोग का है, इसको क्यों बनाने देंगे भाई, नहीं बना देगी तो 2 लाख रुपया मांगा है बड़ा बाबू, 20,000 रुपया इसको दो। हम बोले उसमें भी मतलब एक पैसा नहीं है। गुलमोरी थाना का बड़ा बाबू भेजा है इसको संतोष सिंह को, संतोष सिंह बोलता है, बड़ा बाबू नहीं बोला, संतोष सिंह बोल रहा है कि बड़ा बाबू भेजा है 2 लाख रुपया हम बड़ा बाबू को देना है और 20,000 रुपया गोपाल का औरत पूनम को देना है। जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटर स्कूल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में 40 स्कूलों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। पटमदा स्थित साउथ पॉइंट स्कूल के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। लगातार प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है ताकि छात्रों के भीतर छुपे खेल प्रतिभा को निखारा जा सके। यहां बॉयज तथा गर्ल्स दोनों ही कैटेगरी में 40 स्कूलों से लगभग 100 की संख्या में खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। 14 दिसंबर को इसका समापन होगा, जिसके बाद विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। आज 11 दिसंबर को साउथ पॉइंट स्कूल गोबरगुसी पटमदा इंटर स्कूल हैंडबॉल बॉयज एंड गर्ल्स कंपटीशन 2019 का ऑर्गेनाइज कर रहा है जोगा के साथ, जिसमें पूरे जमशेदपुर से टोटल 42 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड सीनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स के सभी स्कूल पार्टिसिपेट किए हैं। ये प्रोग्राम 11 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर को चलेगा। 14 दिसंबर को हर एक विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल से सम्मानित किया जाएगा।
हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।